हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे हो, हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहिए, कोशिश कीजिए। एटलीस्ट हमेशा रहना तो पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो कि जिस सिचुएशन में भी आप लोग हो, एटलीस्ट उस सिचुएशन में आप लोग हमेशा बेस्ट देखो, हमेशा हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, ठीक है? तो चलिए आज का ज्ञान यही खत्म करते हैं और आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज का पढ़ाई शुरू करते हैं, लेक्चर कोड जान लेते हैं। और आज का लेक्चर कोड है हमारा ISC/Physics इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर द ईयर 2002। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो प्लेलिस्ट है हम लोग का आईएससी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेटेड टू लास्ट ईयर आईएससी क्वेश्चंस, उसमें हम लोग एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं फॉर द ईयर 2002। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। और मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक गुप्ता, और आप मुझे देख रहे हैं आपके छोटे से प्यारे से बेबी से चैनल ईशा एकेडमी पे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन वन क्या बोला गया है? बोला गया है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। ठीक है, अच्छा आपको पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। बेस एसआई यूनिट्स मतलब क्या समझते हैं? मास का होना चाहिए केजी, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड्स, और क्या है करंट का एम्पियर, और क्या है हीट का टेम्परेचर टी, और दो है नंबर ऑफ मोल्स, और एक है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला। वो सब मुझे जानती है, पर ये आपके बेस यूनिट्स है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। आपको क्या करना है? जो करना है कि आपको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हां, क्या बोला गया है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वी इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज। पर फिर से देखो, यहाँ पर करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देखो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, देखो दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू डी बाई आई इंटू टी। ठीक है, देखो ऐसा यूनिट, देखो यूनिट ऑफ वी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, व्हिच इज इक्वल्स टू मीटर, व्हिच इज इक्वल्स टू एक्चुअली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू 1 बाय टाइम। मतलब मीटर इसका होता है मीटर इसका सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का फिर से मीटर, और यहां पे क्या हो गया करंट आई का एम्पियर और टाइम का सेकंड। तो फाइनली आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकंड क्यूब। ऊपर तो है, एक जगह ऊपर हो जाएगा, वो भी आपका आंसर। क्लियर है? समझ में आया? रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझ में आपको आंसर का? यूनिट ऑफ वी इज इक्वल्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकंड क्यूब, आंसर। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन टू क्या बोला गया है? सिंपल क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये गिवन सर्किट है ए एंड बी, इसका एक्सटर्नल पॉइंट्स है। बोला गया इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए प्लीज फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन सिंपल सा है, कुछ बोला नहीं है, चलिए फिर भी मैं डिटेल में करता हूँ एक बार। क्या हो सकता है? द गिवन सर्किट CIRCUIT सर्किट इज दैट
ऑफ अ व्हीटस्टोन इज दैट ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है इतना समझ में आपको? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जहां पे इसको हम C1 नाम देते रहे, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड हेयर C1 by C2 is equals to that. C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू भी 2 माइक्रोफैराड, मतलब इक्वल्स टू 1। C3 by C4 क्या होता है? 2 by 2 which is equals to 1. Therefore यहां पर C1 by C2 is equals to C3 by C4। ये क्लियर है? याद रखना हमेशा इसको A, B, C, D ऐसे है, जिसको C1, C2, C3, C4। अगर resistances होगा तो R1, R2, R3, R4 and it is और balance condition के लिए R1 by R2 is equal to R3 by R4, मतलब C1 by C2 is equal to C3 by C4। ये diagram याद रखना आप लोगों को सही से, ठीक है? That is the bridge is BRADG bridge is balanced. If the bridge is balanced, that is then no current flows through the 3 microfarad capacitor. क्लियर है? समझ में आया? मतलब कि सिंस अब ये ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अब अगर पोटेंशियल सेम है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, वही बोला हमने। अब अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब ये हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है? हेंस द equivalent circuit reduces to क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा reduces to, कैसा हो जाएगा इतने में? कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर से दो कैपेसिटर जा रहा है और नीचे से दो कैपेसिटर जा रहा है, ऐसे ऊपर से दो नीचे से दो, तो पॉइंट ए एंड B। अब हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं कैपेसिटर पे, अब आप लोग सीरियस समझ गए होंगे कि अगर ये भी C है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, इसका वैल्यू सबका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है। अब सिंस ये दोनों सीरीज में है तो रेसिप्रोकल एडिशन करना पड़ेगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? CS is equals to C1 into C2 by C1 plus C2, इसका मतलब 2 into 2 by 2 plus 2, 4 by 4 which is equals to 1 microfarad। Similarly, इन दोनों का equivalent भी होगा, CS बोल रहे हैं उसको हम, कितना होगा? 1 microfarad। मतलब कि this will reduce to एक single circuit ऐसा, एक single circuit, sorry, I'm so sorry, ये क्या हो जाएगा simply? अगर देखा जाए तो this will reduce to ऐसा कुछ, ऊपर एक capacitor, नीचे एक capacitor, इसका वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है? अब दो कैपेसिटर्स है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड इन पैरेलल, दिस विल रिड्यूस टू इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ, अब इन दोनों सीरीज में है, सॉरी दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? सिंपल इक्विवेलेंट होगा दोनों का एल्जेब्रिक एडिशन, हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड आंसर। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है, डन, समझ में आया? रिड्यूस टू, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और आंसर है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 1 मार्क्स का था। अब जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो हमने सिंपली इक्विवेलेंट सर्किट बना के आंसर दे दिया। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है फिर हम साइड में से कैलकुलेशन एक्सप्लिसिटली करके दिखाते हैं, पर सिंस 1 मार्क्स का है तो उतना एक्सप्लिसिट कैलकुलेशंस करने का जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग समझना कि कब मुझे कैलकुलेशन डिटेल में करना पड़ेगा और कब कैलकुलेशंस बहुत इजीली वे में करके खत्म करना है मुझे।
ये सिर्फ एक मार्क्स का क्वेश्चन था, हमने कैलकुलेशन बहुत आसानी से बस डायग्राम के तरीके से करके दिखा दिया। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन थ्री क्या बोला गया है, सिंपली बोला है स्टेट गॉसेस थ्योरम। ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वन मूव्स फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज मेटल बॉल टू अ पॉइंट ऑन इट्स सरफेस देन टू अ फार पॉइंट फ्रॉम द सरफेस। वाह बड़ी घुमा फिरा क्वेश्चन होता है, समझ रहे क्वेश्चन समझ रहे क्या बोला है, सिंपली बोला स्टेट गॉसेस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट ऑलरेडी हम बहुत बार दे चुके हैं, पर जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। बोला है ड्रॉ अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाओ जहां पे आप दिखा रहे हो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वन मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज मेटल टू अ पॉइंट। पहले आप सेंटर से स्टार्ट कर रहे हो मूव करना, फिर सरफेस पे जा रहे हो, फिर फार पॉइंट फ्रॉम द सरफेस। ठीक है तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन ठीक है, अच्छा स्टेट गॉसेस थ्योरम इसका आंसर ऑलरेडी पता ही आप लोगों को, खुद से लिख लो क्या बोलते हैं गॉसेस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ अ गॉशियन सरफेस एनक्लोजिंग अ गिवन चार्ज configuration is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the Gaussian surface. Gaussian surface ठीक है, मैथमेटिकली क्या मतलब, मैथमेटिकली टोटल फ्लक्स phi e इज इक्वल टू टोटल चार्ज enclosed by epsilon naught which is equals to surface integral of e dot ds का इंटीग्रल। ये हो गया आपका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है एक प्लेन है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है तो खुद ही देखो एक बार, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं ज्यादा स्पेस मिल जाएगा मुझे। अच्छा देखो मुझे क्या करना है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of E versus R is shown below। ठीक है तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका कैलकुलेशन। मान लो आपके पास एक चार्ज स्फीयर है सच दैट ये उसका सेंटर है, इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है एंड इस पर चार्जेस है कुछ मुझे पता नहीं क्या है, पर चार्जेस इस पर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया गया है इसको। ठीक है अब इसका मुझे वेरिएशन बनाना है पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए हम ना एक सिंपल सा ये करते हैं, पहले ये हुआ एक लाइन मेरा वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा इस पर, और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड
डिस्टेंस और सेंटर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट हो गया एक्स इक्वल्स टू कैपिटल आर, जो हो गया सरफेस, एट द सरफेस, और ये हो गया ओरिजिन, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सिंस अब खुद ही सोच, सेम चीज हम इधर बना सकते हैं, सेम चीज इधर भी बना सकते हैं हम चाहे तो, ये एक्स इक्वल्स टू आर है, ठीक है। अब देखो, अब अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब अगर हम एक अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हम लोग पता है कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब इनिशियली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि उसका जीरो एक्सिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, क्लियर। और अचानक से एट द सरफेस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है, अचानक से एकदम सरफेस पे एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, डॉटेड लाइन चलते सुबह सरफेस से मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर जैसे बाहर जाएगा इट फॉल्स ऑफ, इट फॉल्स ऑफ, ठीक है, इट फॉल्स ऑफ एज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है, वन बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आउटसाइड रीजन, ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड रीजन, ये हो गया इनसाइड रीजन, इनसाइड ये आउटसाइड रीजन, ये इनसाइड रीजन। अब सेम चीज इधर भी बना सकते हो आप, सिमेट्रिकल होगा, यहां पर होगा और यहां से ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है। हियर ई गोज एज वन बाई आर स्क्वायर, ये क्लियर आपको समझ में आया, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर, पर अगर आप इतना ही बनाओ काफी है, ठीक है। अब एक चीज, ये आंसर यहां पे खत्म हो गया, ठीक है, ये आंसर तीन मास खत्म यहां पर अब एक चीज सोचो, अगर आपको बोला होता कि चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास चार्जेस है इनसाइड द स्फीयर आल्सो। अब अगर इनसाइड द स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज भी ज्यादा, सॉरी इनसाइड द स्फीयर भी होगा, अब जीरो नहीं होगा, कुछ और वैल्यू होगा, और उसका वेरिएशन ऐसा होता है, इट गोज एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आउटसाइड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज गोज एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये बात याद रखना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फॉल्स ऑफ एज वन बाई आर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आप सेंटर से जैसे जैसे बढ़ोगे सरफेस की तरफ, अगर चार्ज स्फीयर, चार्ज अंदर भी है सॉलिड स्फीयर के लिए, तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, एट द सरफेस मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे आप सरफेस के बाहर जाओगे देन इट फॉल्स ऑफ एज वन बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप सेंटर पे हो तो इनिशियली अगर चार्ज अंदर नहीं है तो सेंटर से सरफेस तक लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और बाहर में ऐसे रैपिडली गिर जाएगा, पर अगर आपके बॉडी के अंदर भी चार्ज है, मतलब कि सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के अंदर तक होगा इनिशियली सेंटर टू सरफेस में इंक्रीज करेगा, एट द सरफेस मैक्सिमम हो जाएगा, देन फॉल्स ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन 4 क्या बोला गया है, बोला गया है टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकुलम ईच, 10 माइक्रोकुलम ईच आर सिचुएटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि दो चार्जेस है 10 माइक्रोकुलम 10 माइक्रोकुलम और दोनों का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system when the two charges are brought closer by 2 cm. समझ में आपको क्वेश्चन, फिर यही सॉल्यूशन करते हैं इसका। अच्छा देखो, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द problem is given below,
ठीक है। देखो कोई भी न्यूमेरिकल अगर दिया हुआ है उसको अगर आप समझ जाओगे कि एक्चुअली क्या कर रहा है वो, तब आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसका प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, इसके बीच का सेपरेशन है R1, कितना R इनिशियल बोल दे, इसको R इनिशियल I है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब दो चार्जेस है जिसका बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 माइक्रोकूलम, विच इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁶ कूलम। सिमिलरली ये भी है 10 × 10⁻⁶ कूलम और ये हो जाएगा 10/100 मीटर। ठीक है, इतना खत्म। तो ऑब्वियसली इसके बीच में इन जब इन दो चार्जेस का बीच में कोई सेपरेशन है, इन लोग जब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, उसको हम U1 बोल रहे हैं, सॉरी U इनिशियल। ठीक है, क्लियर है। अब सेम दो चार्जेस को अगर हम 2 सेंटीमीटर से क्लोज ला रहे हैं, मतलब अब सेपरेशन कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब 8/100 मीटर। चार्जेस सेम है Q1 एंड Q2, बस दोनों को बीच का सेपरेशन हम 2 सेंटीमीटर से कम कर दिए हैं, मतलब अब सेपरेशन कितना होगा सिर्फ 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, तब इस केस में भी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको हम UF से रिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये इनिशियल केस है, ये इनिशियल केस और ये फाइनल केस है। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, आपको क्या करना है, बोला है कितना से इंक्रीज होगा, मतलब बस डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, तो चाहिए यही करते हैं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली इज क्या होगा, UI इज इक्वल टू 1/4πε₀Q1 × Q2 RI। ये एक्सप्रेशन होता है, बस R के जगह हमने RI लिखा है, इनिशियल सेपरेशन। ठीक है, एंड वाई फाइनली इट इज UF, which is equals to 1/4πε₀Q1 × Q2 RF। ठीक है, क्लियर है। Therefore, increase in potential energy is equals to क्या होगा, ये था इनिशियल, ये था फाइनल। इंक्रीज मतलब एक्चुअली कितना से चेंज हुआ है, वो सिंपली हो जाएगा UF - UI, विच इज इक्वल टू, देखो 1/4πε₀Q1 × Q2 कॉमन है, तो हो जाएगा 1/4πε₀Q1 × Q2 / 1/RF - 1/RI। क्लियर है, चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, काफी इजी है। क्या हो जाएगा, 1/4πε₀⁹ × 10⁻⁹ × Q1 × Q2 10⁻⁶, 10⁻⁶, मतलब कितना हो जाएगा 10 × 10 100, 10⁻⁶ × 10⁻⁶ हो जाएगा कितना होगा 100 × 10⁻¹2। ठीक है, हाँ ठीक है, इंटू वन, देखो क्या है, RF है 8/100, 10/100, तो 1/RF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/8 - 100/10। ठीक है, तो 100 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 9 × 10⁻¹1, यहां से 100 आएगा, कितना हो जाएगा 9 × 2 = 11 और ये 2, 100 कॉमन ले रहा है, कितना हो जाएगा 11 × 13 और 13 × 10⁻¹1। क्लियर है, 9, 10, 11, 12, 13, 13 − 12 = 1 into ये क्या हो जाएगा 1/8 - 1/10, मतलब 10 - 8/10 × 8,
कितना हो जाएगा, 9 × 10 इंटू कितना होगा, कितना होगा जी, 10 है, कितना हो जाएगा ये 2 × 10 × 8, ये 10 ये 10 इसका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 9 × 2 = 18, ये हो जाएगा 18/8, मतलब 9/4, 9/4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1/4, ठीक है नहीं 4 नहीं 2 होगा, 2 × 1/4 = 8 / 9 विच इज इक्वल टू 2.25 जूल, आंसर फाइनली मिल गया, ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था डन। तो फिर फाइनली ईयर 2000 में पहला मार्क्स एक क्वेश्चन का था, फिर से एक क्वेश्चन का था, फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का था, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का था, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे आईएससी 2002 में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे और जल्दी वीडियोस खत्म करने का, क्योंकि आईएससी एग्जामिनेशन काफी नजदीक आने वाली है, डेट्स आउट हो चुके हैं अराउंड कितना आपका तो एग्जाम आने वाला ही है, ठीक है। तो चलिए फिर ऐसे से पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।